गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल 1, 2, 3 करने के लिए दिए थे और उन्हें समझाया था इसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, ठीक है। अब आज हम आगे इसकी मैं आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। कल मैंने नंबर लाइंस के क्वेश्चंस करने को दिए थे आपको एग्जांपल 1, 2, 3, उससे आगे हम अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहली एडिशन की प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस के अंदर हमें ये देखना है दो डिजिट्स, जैसे सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है, मार्क कर देना, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जिसके अंदर हमारा प्रोसेस होगा ए प्लस बी, ठीक है। जैसे हमें कोई भी डिजिट दे रखी है ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया जिसमें दोनों डिजिट पॉजिटिव हैं, जिसमें हमारी दोनों डिजिट पॉजिटिव थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -4 एंड -7, जिन्हें हमें एड प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी के बेस पे सॉल्व करना है। तो हम इनको किस तरीके से लिखेंगे, -4 प्लस -7, ठीक है। तो अब देखो बीच में प्लस लग रहा है, माइनस माइनस प्लस होंगे, पर साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि हमारी दोनों डिजिट किसकी हैं, माइनस की। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -11। नंबर थर्ड 6 प्लस -10, ये इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि तीनों प्रॉपर्टीज़ में कुछ डिफरेंट है। अब इसमें देखो पॉजिटिव की डिजिट हमारी लेस देन है और नेगेटिव की डिजिट हमारी ग्रेटर देन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 6 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेंगे, माइनस के 4। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसका, 19 प्लस -12, अगेन प्लस माइनस -12। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें जो पॉजिटिव की डिजिट है वो ग्रेटर देन है, इसमें पॉजिटिव की डिजिट क्या थी, लेस देन थी, इसलिए माइनस का साइन आया था। अब ग्रेटर देन है तो किसकी आ जाएगी, प्लस की डिजिट आ जाएगी। तो 19 में से 12 जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, 7। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी के 4 पार्ट हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। अगर जैसे मैंने आपको जो एक रूल बताया था कि प्लस प्लस और माइनस माइनस होते हैं तो हमेशा प्लस होता है, प्लस माइनस और माइनस प्लस होते हैं तो हमेशा माइनस होता है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखो, ये दोनों प्लस प्लस की फॉर्म है, ये माइनस माइनस की फॉर्म है। हमने प्लस किया है पर साइन किसका आ गया, माइनस का, से दोनों फॉर्म हो गई, फिर प्लस माइनस की ये फॉर्म हो गई, ठीक है, और माइनस प्लस फॉर्म वाली ये फॉर्म हो गई। तो इस तरीके से चारों फॉर्म्स हो गई इसके अंदर। अब इससे आगे देखो नंबर 2 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऑफ एडिशन, इसके अंदर हमें तो कोई नंबर्स दे रखा होगा, वो उसकी लेफ्ट LHS इज इक्वल टू RHS होगा सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर, यानी A प्लस बी और B प्लस A, तो वो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन की, अदरवाइज नहीं है। कैसे है इस चीज़ को देखो, हमें डिजिट दे रखी है A 6 प्लस -9, ठीक है। तो अब इधर हमने क्या करा, हमारा रिजल्ट क्या आ गया, -3, और यहाँ क्या हो जाएगा, -9 प्लस 6, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -3। तो दोनों प्रॉपर्टीज इक्वल हो गई, तो इससे प्रूव है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पर हमें फिर ए दे रखा है 6 और बी दे रखा है -9, तो इसका प्लेस चेंज कर दिया है, रिजल्ट तो सेम रहेगा, तो इससे क्या है हमारी प्रॉपर्टी प्रूव होगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हमें ए की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है हमें -5 प्लस -7 और प्लस 8 इक्वल टू में हो जाएगा 12 माइनस का प्लस 8 इक्वल टू -4, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म सॉल्व हो गई। अब इसकी सेकंड फॉर्म देखो, इसको दोबारा देख लो, मैं पूरी फॉर्म पहले लिख देता हूँ आपको जिससे कंफ्यूज नहीं होगे। हमारी ए की वैल्यू क्या है, -5, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू क्या है, -7
प्लस एट, ये हमारी एक फॉर्म हो गई, ठीक है। इसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म देखो, ए की वैल्यू माइनस फाइव है प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारी माइनस सेवन प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारी एट। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाने पर हमारी जो फॉर्म निकलेगी, देखो यहाँ क्या है, ये माइनस फाइव और ये प्लस का वन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का फोर। इसी तरीके से ये माइनस माइनस के दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस का ट्वेल्व और प्लस के एट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का फोर, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर फोर देखो, आइडेंटिटी इलेमिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसके अंदर जीरो ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, यानी कि कोई भी डिजिट होगी हम उसको जीरो से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, वही डिजिट आएगी, कोई भी डिजिट रख लो इसके अंदर वही सेम डिजिट आएगी। और प्रॉपर्टी नंबर फाइव देखो, एडिक्टिव इन्वर्स, एडिक्टिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी फाइव में कि हम एक पॉजिटिव डिजिट है और वही नेगेटिव डिजिट को फॉर्म में आपस में एडिशन करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, जीरो। ये तो आप सब्ट्रैक्शन में भी देख चुके हो कि अगर माइनस थ्री होता है और प्लस थ्री होता है तो आपस में कट जाते हैं, कुछ नहीं बचता। तो इसी तरीके से इसमें होगा, जैसे से टू प्लस माइनस टू, तो टू माइनस टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी नंबर सिक्स में है, लेस देन ग्रेटर देन की फॉर्म बतानी है कि ए ग्रेटर देन बी है। पहली फॉर्म में देखो, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स में हमें थ्री इंटीजर्स दे रखे हैं एब्ज्यूम करके ए बी सी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी ए ग्रेटर देन बी, सेकंड हो जाएगी ए लेस देन बी, ठीक है। तो इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, और इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, जो अब इसके बाद सेकंड इसकी जो फॉर्म्स हैं उसको हमें अब नेक्स्ट जो मेन प्रॉपर्टी का पार्ट है वो किस तरीके से, सक्सेसर और प्रेडिक्सर है। सक्सेसर और प्रेडिक्सर तो आप पढ़ चुके हो, सक्सेसर के अंदर क्या होता है, प्लस वन, और प्रेडिक्सर के अंदर क्या होता है, माइनस वन। जैसे मैं पूछूं जीरो का ही प्रेडिक्सर क्या होता है, सक्सेसर क्या होगा, माइनस वन, ठीक है। और फाइव का सक्सेसर क्या होगा, फोर, ठीक है। सॉरी जीरो का, जीरो से जीरो किसका सक्सेसर है, माइनस वन का, और फोर का सक्सेसर क्या हो जाएगा, फाइव। अब इसको उल्टा ले लो कि जीरो का प्रेडिक्सर क्या है, माइनस वन, और फाइव का प्रेडिक्सर क्या हो जाएगा, फोर, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। जैसे हमें एग्जांपल नंबर फोर दे रखा है वो तो सिंपल एडिशन है, एग्जांपल नंबर फाइव का ए के हम बी कोई सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे हमें डिजिट दे रखी है माइनस सेवेंटी फाइव और फोर्टी टू, तो इसे हमें करना क्या है, ऐड। तो मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, और हम साथ में ये देखेंगे कि बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, पहले हम लगा देते हैं माइनस, तो फाइव में से टू गए तो थ्री और सेवन में से फोर गए तो थ्री, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस थर्टी थ्री। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने नेगेटिव की डिजिट जब ग्रेटर देन थी और पॉजिटिव की डिग्री लेस देन थी तो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट तो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है आपका एग्जाम्पल नंबर, उसके अंदर सक्सेसर बताए हैं। जैसे 22 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 23, और इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी डिजिट ले लो 24 का प्रेडिक्सर क्या हो जाएगा, 23, ठीक है। तो इस तरीके से आज आपको अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देखने हैं, एक्सरसाइज 5.2 के, इसके अंदर 12 क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस तो 2-4 हैं जो बुक में ही कर लोगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर 2-4 तो आप बुक में ही कर लोगे। इसके बाद जो क्वेश्चन हैं इनको आपको नोटबुक कॉपी में तो सारी एक्सरसाइज करनी है, 6 आज कर लेना, 6 आप कल कर लेना, इस तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट 6 के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आज पूछ लेना, और नेक्स्ट 6 के अंदर मुझसे कल पूछ लेना, और अभी भी कोई पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो बताओ।